जानकारी राजधानी दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई मुद्दों को लेकर मुलाकात की है। दिल्ली में है मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बैठक के बाद गजेंद्र शेखावत की ओर से बयान दिया गया है। दक्षिण हरियाणा को पानी देने पर इस पूरी मुलाकात में बातचीत पर जोर रहा। यमुना पर बैराज बनाकर पानी देने का प्लान है, सरकार प्लान पर अध्ययन कर रही है, ये कहना है गजेंद्र शेखावत का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की है और इस दौरान जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है वो दक्षिण हरियाणा में जो पानी की कमी है उसको किस तरह से पूरा किया जा सके उसको लेकर विचार विमर्श किया गया। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का कहना है कि दरअसल बैराज बनाकर पानी देने का प्लान है, सरकार इस बाबत अध्ययन कर रही है, रेणुका किसाहू प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, यमुना के पानी को रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है, साथ साथ महिला आरक्षण बिल को लेकर भी उन्होंने कहा कि अब और ज्यादा महिलाएं सशक्त होंगी। यमुना के पानी पे को जो बाढ़ है उसको रोकने के लिए रेणुका किसाहू और जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, इन तीनों प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चर्चाएं। उसके अतिरिक्त यमुना नदी पर एक और बैराज बना करके किस तरह से साउथ हरियाणा को पानी दिया जा सकता है, इसको लेकर के एक अभी कॉन्सेप्चुअल प्लान पर हरियाणा सरकार और भारत सरकार दोनों अध्ययन कर रही हैं। उसके कुछ तकनीकी विषयों पर चर्चा करने के निमित्त हम साथ आए थे। अभी बहुत प्रारंभिक स्तर पर विषय, समय आएगा तब उस पर विस्तार से बात करें। महिलाओं का डेवलपमेंट के बजाय महिलाओं के द्वारा डेवलपमेंट की दिशा में हम जाएँ, आज भारत उस मुकाम पर पहुँच गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है ये इस दिशा में एक मील का पत्थर ऐसा साबित होगा और ये जो कदम उठाया गया है इसके परिणाम निश्चित रूप से देश को और अधिक सशक्त करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित करने वाला होगा।